इंडिया साउथ अफ्रीका से अपना दूसरा मैच हार गया। बट असल में जिन लोगों ने ये मैच देखा होगा, जिन्होंने लाइव इस मैच को देखा होगा, उनको कहीं ना कहीं ये लगता होगा कि असल में भारत साउथ अफ्रीका से तो बाद में हारा पर कल खुद से पहले हार गया था। और कहीं ना कहीं ये सीख है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कैप्टन का रोल नहीं होता है किसी मैच के जीतने या हारने में। ऐसा पास्ट में भी कई कैप्टन्स के बारे में कहा गया है, और ख़ासकर कोहली जब से कैप्टन बने हैं इंडिया के, अक्सर उनके जीतने पे ये कहा गया कि कोहली के पास तो टीम ही इतनी अच्छी है कि कोई भी कैप्टन हो जीत सकता है। बट असल में कल जिसने मैच देखा होगा उसे ये लग गया होगा कि कितना ज़्यादा अंतर पैदा हो सकता है सिर्फ कैप्टन के होने या ना होने से, या उस पर्टिकुलर इंसान के उस मैच में कैप्टन होने या ना होने से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैच कोई भी अगर भारत जीतता है या हारता है तो उसमें उनके प्लेयर्स का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता या कोई रोल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है। बट मैं ये भी कह रहा हूँ कि उतना ही ज़्यादा रोल उस टीम का कैप्टन कौन है ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है, और सेम तरीके से कौन कोच है वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। बट असल में जिसने कल मैच देखा होगा उसने नोटिस करा होगा कि असल में जो कोहली के रहने से जो एग्रेसिवनेस आती थी टीम में वो पूरे तरीके से कल डल पड़ी हुई थी। माना कि आसानी से भारत को विकेट नहीं मिल रहे थे, बट असल में जो कोहली वहाँ पे इन्वायरमेंट मेंटेन करके रखते थे ना, कि विकेट ना भी मिल रहे हों फिर भी वो एनर्जी बना के रखना अपने बॉलरों में, अपने प्लेयर में, कि भले ही अभी 70 रन बचे हैं फिर भी हम ये मैच को जीत सकते हैं, वो पूरे तरीके से कहीं भी कल देखने को नहीं मिला। आप लोग अगर पता हो आप लोगों को तो भारत आज तक कोहली की कैप्टेंसी में चौथी इनिंग में 200 के ऊपर का स्कोर बचाते हुए एक भी मैच नहीं हारा था। कल पहली बार हुआ कि फोर्थ इनिंग में भारत 200 के ऊपर का स्कोर देते हुए भी, 200 के ऊपर का टारगेट देते हुए भी मैच हार गया। यहाँ पे बिल्कुल भी मेरा ये संदेश देना एम नहीं है कि केएल राहुल अच्छे कप्तान हैं या बुरे कप्तान हैं, अच्छे कप्तान होंगे वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बट कोहली जिस तरीके से टेस्ट में कैप्टेंसी करते हैं वो कैप्टेंसी कहीं ना कहीं कल राहुल की तरफ से देखने को नहीं मिली। उसके अलावा जो सबसे बड़ी लापरवाही मैं कहूँ भारत की तरफ से देखने को मिली, और क्यों मैंने ऐसा स्टार्टिंग में कहा कि साउथ अफ्रीका से हारने से पहले भारत से कल मैच हार चुका था, भारत ने ही कल भारत को हरा दिया था। अगर आप लोगों ने इंडिया की सेकंड इनिंग लाइव देखी होगी तो जब रहाणे और पुजारा खेल रहे थे तो बहुत ही अच्छा खासा स्कोर इंडिया का हो चुका था, जहाँ पे वो एक अच्छे और अच्छे टारगेट की तरफ बढ़ रहा था। बट वहीं पे अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, जैसे ही पुजारा और रहाणे आउट हुए, पहले तो वही ऋषभ पंत की थोड़ी सी इमेच्योरिटी देखने को मिली जिसके बारे में अक्सर लोग बात किया करते हैं। भले ही उन्होंने गाबा में एक बहुत ही अच्छी मैच्योरिटी दिखाते हुए उस मैच को एंड किया था, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैच के बाद वो इस चीज़ पे ज़्यादा मुझे लगता है फोकस करने लगते हैं, जैसा और भी दिग्गज जो खिलाड़ी हैं कहते हैं, जो हमारे रिटायर्ड प्लेयर्स हैं कहते हैं कि वो थोड़ा सा ये चीज़ दिखाने की तरफ ज़्यादा खेल जाते हैं कि उनकी हिटिंग कैपेबिलिटीज़ क्या है, वो किस तरीके से मैच को जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, जिसकी कल कोई भी परसों को कोई भी ज़रूरत नहीं थी। जिस समय इंडिया की बैटिंग चल रही थी वहाँ पे इंडिया के पास बहुत वक्त था कि वो आराम से अपना वक्त लेके एक अच्छा टारगेट दे सके, बट फिर भी जैसे ही रहाणे और पुजारा आउट हुए तो ऐसा लगा कि इंडिया के अंदर ये संतुष्टि आ गई थी कि अब तो अच्छा स्कोर बन गया है, अब जितना भी बना लें कहीं ना कहीं बोनस की तरफ जाना है, और ये मैच भी उनको लगा कि अब तो हम जीत ही जाएंगे क्योंकि हमने तो पिछली इनिंग से भी कहीं ना कहीं ज़्यादा रन मार दिए, जितने साउथ अफ्रीका ने नहीं मारे थे हम तो उनसे भी अच्छा टारगेट अब बहुत ईजिली दे जाएंगे। तो पंत तो आउट हुए ही हुए उस चक्कर में, बट उसके बाद जब हनुमा विहारी पिच पे थे तो जिस तरीके से शामी ने, बुमराह ने वहाँ पे बैटिंग करी, वो इस तरीके से वहाँ पे बैटिंग कर रहे थे जैसे कि वो मेन बैट्समैन है और उनके साथ में जो रनिंग एंड पे हनुमा विहारी खड़े हैं वो बॉलर हैं, ना 1% भी उनको स्ट्राइक देने की कोशिश करी गई। और जब भी खासकर बुमराह का जो क्लैश हुआ था मार्को जेंसन के साथ, अगर लोगों ने मैच देखा है तो उन्होंने नोटिस करा होगा, जो उनका मार्को जेंसन के साथ क्लैश हुआ था उस क्लैश के रिजल्ट में वो अपनी हिटिंग कैपेबिलिटीज दिखाने में ज़्यादा लगे हुए थे। उन्होंने एक छक्का ज़रूर मारा बट वो अगर आपने मैच देखा हो हर बॉल पर वो आँख बंद करके सिर्फ बल्ला लपेट रहे थे, जबकि एक डिसेंट प्लेयर वहाँ पे ये करता कि भाई दूसरे एंड पे जब आपके पास एक बैट्समैन खड़ा है जो अच्छा खासा टिका हुआ है, जो एक अच्छा स्कोर दे सकता है, तो आप क्यों हर बॉल पे ऐसे अंधी लपेट रहे हो। बिल्कुल उस चीज़ की वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी।
और आपने देखा होगा उसी चक्कर में उन्होंने अपना विकेट फेंक दिया था। वो हर बॉल को छक्के तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि वो मार्को जेंसन को रिप्लाई कर सकें, उनकी फीलिंग्स को इम्पैक्ट कर सकें। बट असल में इम्पैक्ट उससे कौन हुआ? इंडिया। असल में उस बैटल में जीता कौन? मार्को जेंसन। क्योंकि यही तो वो चाहते थे, यही साउथ अफ्रीका प्लेयर चाहते थे कि हम इन्हें ट्रिगर कर सकें, और बुमराह वहाँ पर ट्रिगर हो गए, जिस वजह से बुमराह तो हारे ही हारे, बट भारत असल में वहीं पर कहीं ना कहीं हारने लग गया था। और ये बुमराह इसलिए कहीं ना कहीं कर रहे थे क्योंकि उन्होंने उनके माइंड में ये फीलिंग आ गई थी कि भाई अब तो इतना अच्छा स्कोर हो गया है कि यहाँ से तो मैच ईजिली जीत सकते हैं, जिसका रिजल्ट असल में इंडिया को भुगतना पड़ा। वही एक पर्टिकुलर मोमेंट था जिसकी वजह से भारत को ये नतीजा देखना पड़ा। बट उम्मीद है, और जैसा कि केएल राहुल ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि कोहली अब फिट है और नेक्स्ट मैच में हमें देखने को ही मिलेंगे, उससे कहीं ना कहीं बैटिंग तो इम्प्रूव होगी होगी, बट साथ ही साथ एक इंडिया को अपने रेगुलर कैप्टन मिलेंगे और वापस से शायद वो एनर्जी, वो इन्वायरमेंट वो मेंटेन कर सकेंगे। क्योंकि देखिए, हर मैच बॉलिंग से और बैटिंग से तो जीता ही जाता है, बट साथ ही साथ उस इन्वायरमेंट से भी जीता जाता है, मैं कहूँगा, जो कोहली वहाँ पर क्रिएट करते हैं। और वो कहीं ना कहीं केएल राहुल क्रिएट करने में फेल रहे। जाहिर सी बात है, वो भी नए कैप्टन है, सीखेंगे। बट असल में कल का मैच एग्जाम्पल था कि एक कैप्टन किस हद तक इम्पैक्ट कर सकता है किसी मैच के रिजल्ट को। तो आप लोग का इस चीज़ पे क्या कहना है ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप एग्री करते हैं मेरी बात से, डिसएग्री भी करते हैं, और अगर आप डिसएग्री करते हैं तो आप ये भी साथ में ज़रूर लिखें कि आपका इस पे क्या टेक है, आपको क्या लगता है, आप कहाँ पे इंडिया मैच हार गई। अब कहीं ना कहीं सीरीज़ जैसा हमें लग रहा था कि बहुत ईजिली क्लीन स्वीप हो जाएगी, सुनील गावस्कर ने भी कहा था कि भारत बहुत आसानी से क्लीन स्वीप कर लेगा, बट कहीं ना कहीं वापस से एक ये एग्जाम्पल इंडिया के सामने सेट हुआ है, जो सीख की तरह लिया जा सकता है कि भाई ये क्रिकेट है, इसके लिए यूं ही इतने सालों से नहीं कहते हुए आ रहे हैं कि ये क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। तो अब असल में जो फाइनल मैच करो या मरो होने वाला है, जो भारत के बीच रोड़ा बना हुआ है इतिहास रचने के लिए, अब देखना होगा। क्योंकि अभी तक हर मैच में अगर आप देखें तो हिस्ट्री क्रिएट हुई है। पहले मैच में जहाँ साउथ अफ्रीका कभी नहीं हारा था वहाँ हारा, दूसरे मैच में जिस फील्ड में, जिस लोकेशन पे, जिस शहर में इंडिया कभी नहीं हारा था, सिर्फ ड्रॉ हुआ था वहाँ मैच, या तो जीता था जोहान्सबर्ग में, बट कल भारत वहाँ हारा तो फिर से हिस्ट्री क्रिएट हुई। तो अगर इस ट्रेंड को देखें तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारत तीसरा मैच जीत के हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है। बट एज आई सेड कि भाई ये क्रिकेट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। बाकी अगर आपको मेरा व्यू पॉइंट सही लगा, अगर आपको लगा जो मैंने बात करी वो कहीं ना कहीं सही है, तो एक लाइक ज़रूर करें। और जैसा मैंने कहा, आप मेरी किस बात से एग्री या डिसएग्री करते हैं ये खुल के बिना कुछ सोचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए, तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आपके लिए रेगुलर हर दिन आती रहेंगी। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।